Today is a seventh lecture of the beta complex number. तो कल मैंने आपको सिक्स लेक्चर में बताया था बेटा कंप्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, यानी कि मॉडुलस, कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है. आज आपको बताऊंगा बेटा मैं कंजुगेट की प्रॉपर्टीज, मोड की प्रॉपर्टीज, ये सब बताऊंगा बेटा. तो वैसे कल कंजुगेट क्या बताया था, कोई भी कंप्लेक्स नंबर आप लेते हो तो आप अयोटा से पहले वाले का साइन चेंज कर देते हो, उसको कंजुगेट बोलते हो बेटा. और मोड क्या बताया था, कोई भी कंप्लेक्स नंबर लेते हो आप, जेड इजिकल टू ए प्लस अयोटा वी, तो मोड क्या होता है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये मोड होता है बेटा. तो मैं प्रॉपर्टी शुरू कर रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, सात आठ प्रॉपर्टीज ये हैं बेटा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये कर रहा हूँ बेटा, ठीक है. उसके बाद आपको मैं थर्ड एक्सरसाइज दूंगा, उसके कुछ एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ठीक है बेटा. तो बेटा ये आपका है लेक्चर है सेवन्थ है बेटा, ठीक है. तो इसमें टॉपिक क्या चलेगा आज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ये चलेगा बेटा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेटा. से आप लोगों को कल मैंने कंजुगेट के बारे में क्या बताया था बेटा, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा वी हो तो जेड का कंजुगेट क्या बताया था, बीच वाले का साइन चेंज कर दो बेटा, बस ए माइनस अयोटा वी, ये होता है बेटा. एग्जांपल लो बेटा, जेड इज इक्वल टू ए फोर प्लस फाइव अयोटा, तो जड़ का कंजुगेट क्या होता है बेटा, फोर माइनस फाइव अयोटा, ये होता है बेटा. हाँ यदि आपके पास कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, जैसे जड़ है प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब क्या है बेटा, जड़ मान लो आपके पास है खाली फोर है, तो फोर को आप क्या लिखोगे, फोर प्लस जीरो अयोटा. अब आप जेड का कंजुगेट करोगे तो कितना आ गया, फोर माइनस जीरो अयोटा, जो कि फोर ही तो आया बेटा, इसका मतलब जेड का कंजुगेट वापस कितना आ गया, जेड आ गया बेटा. और लो यदि मान लो मेरे पास जेड है बेटा प्योरली इमेजिनरी, ये तो जैसे मान लो मैंने दे दिया जीरो प्लस फोर अयोटा, तो अब जेड का कंजुगेट क्या आएगा बेटा, जीरो माइनस फोर अयोटा आ गया. इसका मतलब रिजल्ट क्या मिल गया कि जेड का कंजुगेट जो आ रहा है ना बेटा, अब यानी कि माइनस का फोर अयोटा आ गया बेटा, यानी कि जेड का कंजुगेट माइनस जेड आ गया. मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, याद करो बेटा, कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट वही का वही आएगा. हाँ यदि कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट अपना ही माइनस हो जाएगा. और ज्योमेट्रिकली कंजुगेट आपको मैंने क्या बता रखा बेटा, कल बताया था आप किसी भी कंप्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, कोई भी कंप्लेक्स नंबर होगा उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन दिखेगी बेटा आपको, कोई भी कंप्लेक्स नंबर है उसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन दिखेगी बेटा, उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन दिखेगी, ये आ गया पी डैश, इधर ए प्लस है बेटा, ये है बेटा, ये ए प्लस है,
ए ऊपर भी प्लस करा बेटा, यहाँ पर भी ए प्लस है तो ए का ये रहा, बी ऊपर माइनस होता है बेटा, ऊपर प्लस होता है बी, ये रहा ये है ये बी है, तो नीचे आने पे तो बी माइनस का हो गया बेटा, ये लो नीचे आने पे तो बी माइनस का हो गया, ये रहा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, ए माइनस का बी ये आ गया बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, यदि ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ये हमारे पास जेड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये जेड का बार रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कल आपको मैंने बताया था। यानी कि अब आप मेन मेन क्या बात याद रखोगे, यदि कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट वही का वही होगा, यदि कोई कंप्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट उसका माइनस होगा। अब ज्योमेट्रिकली कंजुगेट क्या होता है, कल आपको बताया था किसी भी कंप्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लो, मान लो आपने एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लिया, कि आप एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लेते हो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन नजर आएगी, वो रिफ्लेक्शन का मतलब ये वही होता है बेटा जो आप घर में मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो, तो वो उसका कंजुगेट रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो ये कल मैंने थोड़ा बहुत ये सब आपको बताया था बेटा। लो बेटा अब इसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ बेटा मैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, कहते किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट लोगे तो वापस वही का वही हो जाता है बेटा। ये बेटा तो लो इसका प्रूफ, जेड ए प्लस एटा भी, जेड का बार कितना आएगा बोलो, ए माइनस एटा भी, उसका फिर दोबारा बार कर दो, जेड बार का बार डबल बार वापस आ गया ए प्लस एटा भी, पहले प्लस है तो अगली बार माइनस हुआ, अब माइनस का फिर प्लस कर दिया, ये तो वापस क्या आ गया बेटा, जेड ही तो आ गया, यानी कि जेड का जेड बार के ऊपर बार, ये लो वापिस कितना आ गया बेटा, जेड आ गया, ये आ गया बेटा, हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा। हाँ सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप कंजुगेट लेते हो, उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हो बेटा, तो ट्वाइस ऑफ उसका रियल पार्ट आएगा, आर ई ऑफ जेड आएगा। दोबारा सुन लो, आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका कंजुगेट उसमें ऐड करके देखना, आयोटा वी से आयोटा वी कट गया बेटा, तो डबल आएगा उसके रियल पार्ट का। तो ये लो बेटा प्रूफ, लेट मैंने जेड मान लिया बेटा, ए प्लस एटा भी, जेड बार क्या आ जाएगा, ए माइनस एटा भी, अब ऐड करके देखो, जेड प्लस जेड बार, ए प्लस एटा भी, मैं अब ए माइनस एटा भी को ऐड करोगे, ये कट गया बेटा, तो जेड प्लस जेड बार कितना आ गया बेटा, टू ए, टू ए का मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया बेटा, हैंस प्रूव्ड बेटा, ये तो बताया था। यानी कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कंजुगेट ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ उसका रियल पार्ट आएगा, एज ए थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कंजुगेट माइनस करोगे बेटा
तो टू टाइम्स उसका इमेजरी पार्ट ऑफ जेड आएगा इनटू में योटा आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कंजुगेट माइनस कर दो तो देखना, एक तो आयोटा आएगा, ए से कट जाएगा, टू टू आयोटा भी आएगा। ये लो प्रूफ इसका बेटा। जेड माइनस जेड का कंजुगेट, जेड क्या होता है बेटा, ए प्लस आयोटा भी। इसका कंजुगेट करोगे ए माइनस आयोटा भी आ जाएगा। ए से कट गया बेटा, ए से कट गया बेटा, ये रहा क्या आ गया, टू आयोटा भी क्या आ जाएगा, टू टाइम्स आयोटा भी ये आ गया, टू टाइम्स इमेजरी पार्ट ऑफ जेड आ गया। बी का मतलब क्या होता है, इमेजरी पार्ट इनटू आयोटा इनटू आयोटा, ये आ गया बेटा। ये लो आंसर रूट, ये आ गया बेटा। अब लो बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार है, दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली रियल है बेटा। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं बेटा, कह रहा यदि आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल लोगे तो उसका कंजुगेट वही का वही आएगा, या आप कंजुगेट वही का वही लोगे तो प्योरली रियल आएगा। कैसे, ये लो एग्जांपल बेटा, तो जेड क्या है आपके पास, जेड आपके पास क्या है बेटा, जेड ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार कितना आएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेड बार इज इक्वल टू जेड है बेटा, ये लो, तो ए माइनस आयोटा बी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस आयोटा बी आ गया बेटा। बोलो अब क्या हुआ, ये लो ए से कट गया बेटा, जिस सिंप्लाइज क्या आ गया, टू टाइम्स आयोटा बी इक्वल टू जीरो हो गया, तो देयर फॉर बी इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा। बी जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, बी जीरो होने का मतलब क्या है, इसलिए जेड क्या बन जाएगा बेटा, ए प्लस आयोटा बी क्या बन गया बेटा, बी को जीरो ले लो, ए प्लस जीरो आयोटा, यानी कि ओनली ए आ गया बेटा। तो दिस इज क्या है, इज प्योरली रियल। ये बेटा पूछ लो बेटा, कुछ पूछना तो दो मिनट लगा लो बेटा, इसको रीड कर लो बेटा। एक बच्चा, कुछ बच्चे आज फ़ोन करके कह रहे थे कि सर लाइव क्लास कर दो। बेटा लाइव क्लास का मुझे तो बहुत फ़ायदा है, पर तुम्हें नुकसान नुकसान है बेटा। अब ये जो क्लास है तुम 10 दिन बाद देखना चाहो देख सकते हो, तुम 10 बार देखना चाहो देख सकते हो, कम समझ आए दोबारा देख लो, 10 बार देख लो। लाइव में बेटा जो निकल गया वो निकल गया। दूसरी लाइव की प्रॉब्लम ये है बेटा कि मेरे घर तो वाईफाई लगा हुआ है, पूरी स्पीड है, अच्छी तरह मैं भेज सकता हूँ। आपको मैंने जूम के थ्रू या किसी और साइट के थ्रू जोड़ भी दिया, तो आपके घर मान लो नेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, सिंपल नेट है, सिंपल नेट है, मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो, तो आप शाम को क्या पता आपका डाटा ख़त्म हो चुका हो,
तो मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, आपकी क्लास गई, आपका वाईफाई सॉरी नेट नहीं चल रहा हो, ख़त्म हो चुका हो। तो बेटा फ़ायदा इसी में ही है, बाकी आप जब भी सारे मिल के कहोगे तो लाइव कर दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइव में आप लोगों का नुकसान है। हाँ इसमें आपका फ़ायदा, आप 10 बार देख लो, 10 दिन के बाद देख लो, रात को 12 बजे देखो, 9 बजे देखो, 10 बजे देखो, कुछ भी नुकसान नहीं बेटा, ठीक है। फिर भी आप जैसा कहोगे मुझे फ़ोन कर देना बेटा। बाकी हाँ जिस टाइप से मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, इतनी क्लियर क्लास बना के बेटा, इतनी क्लियर रोहतक में किसी के पास भी ऐसे सिस्टम नहीं होगा बेटा जिस तरह से दे रहा हूँ। कितना क्लियर सारा दिख रहा है बेटा आप लोगों को, बोर्ड कितना क्लियर है, सब चीज़ कितनी क्लियर है बेटा। फिर भी आप जैसा सोचो मुझे बता देना बेटा, लाइव में आप लोगों को हमेशा ही नुकसान होगा बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड है, देन दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी है। चलो प्रूफ बेटा इसका, जेड क्या है आपके पास, ए प्लस आयोटा भी, जेड बार क्या होता है, ए माइनस आयोटा भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया, जेड बार माइनस जेड है तो जेड बार करना बेटा, जरा ए माइनस आयोटा भी तो माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा भी आ गया बेटा, तो ए माइनस आयोटा भी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा भी आ गया बेटा, ये दोनों तरफ से कट गया बेटा, आयोटा भी से आयोटा भी कट गया, तो दिस इंप्लाइज टू ए इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए जीरो हो गया बेटा, ए जीरो होती देर फॉर जेड क्या बन गया बेटा, जेड क्या था ए प्लस आयोटा भी, ए को जीरो लेना, जीरो प्लस आयोटा भी, तो ये आ गया आयोटा भी, तो आयोटा भी क्या दिख रहा है बोलो, दिस इज क्या है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी आंसर। पूछ लो बेटा, क्लियर बेटा, नंबर 7th 6th है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मोड का स्केयर आएगा, और तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो तो उसी के ही मोड का स्केयर आएगा बेटा। चलो प्रूफ, तो लेट जेड ए प्लस आयोटा बी ए, जेड का बार क्या होता है ए माइनस आयोटा बी, तो लेना बेटा लेफ्ट हैंड साइड जेड इंटू जेड बार ए प्लस आयोटा भी इंटू में ए माइनस आयोटा भी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर सारा हो गया बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया बेटा। फिर सुन लो, जेड इंटू में जेड बार, जेड तो हो गया ए प्लस आयोटा भी, जेड बार ए माइनस आयोटा भी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई बेटा। अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है बेटा, प्लस हो गया, अब राइट हैंड साइड लेना बेटा इसके, क्या है मोड जेड का स्क्वायर, ये तो जेड का मोड निकालना है, ए प्लस आयोटा बी का मोड कैसे होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर हो गया बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, ले लो जेड जेड बार ए प्लस आयोटा भी इंटू ए माइनस आयोटा भी कितना हो गया, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन, जेड का मॉड रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया बेटा। तो आप देख सकते हो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गई बेटा, क्या बेटा हेंस प्रूव्ड बेटा। नंबर सेवन लो बेटा, कहते हैं आप जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करोगे बेटा और उस सारे का कंजुगेट लोगे, तो आप लिख सकते हो जेड वन का कंजुगेट अलग, जेड टू का अलग, ये लिख सकते हो बेटा। एट्स भी सेम है बेटा, एट्स में सिर्फ माइनस आ जाता है, जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट है तो क्या आ जाएगा, ये जेड वन का अलग माइनस में जेड टू का अलग, ये आ जाएगा बेटा। हाँ नाइन एट नाइन टेन सेम बेटा, नंबर नाइन्थ है, जेड वन इंटू जेड टू करोगे बेटा उसका कंजुगेट है, तो जेड वन का अलग इंटू में जेड टू का अलग हो जाता है। नंबर टेंथ डिवाइड हो तो डिवाइड हो जाते हैं बेटा, अभी प्रूफ करा रहे तो, पर ये आसान से हैं, जेड वन बाय जेड टू है, जेड वन बाय जेड टू है उस सारे का कंजुगेट है बेटा, ये तो क्या आ जाता है, जेड वन का अलग बाय जेड टू का अलग हो जाता है बेटा, ये हो जाता है। मतलब दो कम्प्लेक्स नंबरों को आप ऐड कर रहे हो, ऐड करके कंजुगेट करते हो या अलग अलग करके कंजुगेट ले लो, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, डिवाइड है डिवाइड, मतलब आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो फिर कंजुगेट लो या कंजुगेट ले के डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो लो बेटा इनमें से मैं आपको, ये सारे चारों सेम है बेटा, तो मैं आपको इनमें से प्रूफ कराता हूँ बेटा, किसी भी एक का करा देता हूँ बेटा, ये लो नाइन्थ का करा देता हूँ। तो लेट जेड वन है ए प्लस एटा बी एंड जेड टू है बेटा सी प्लस एटा डी, ये बेटा तो करो बेटा आप जेड वन इंटू में जेड टू को पहले मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए डी एटा बी सी एटा पी डी एटा का स्क्वायर आ गया, जेड वन इंटू में जेड टू, ये आ गया सारा, एटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ए सी माइनस बी डी एटा कॉमन ए डी प्लस बी सी, मतलब मैंने जेड वन को मान लिया बेटा, ऐसे कोई नंबर मत मान लेना, फोर प्लस सेवन एटा ना टू प्लस थ्री ना, ऐसे मानना बेटा ए प्लस एटा बी सी प्लस एटा डी। इसने क्या कहा है जेड वन इंटू जेड टू का बार, तो पहले जेड वन को जेड टू से मल्टीप्लाई करो, जरा ए सी ए डी एटा एटा बी सी एटा स्क्वायर बी डी एटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी एटा ए डी प्लस बी सी आ गया। अब लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट करो इसका कंजुगेट, ए सी माइनस बी डी आयोटा, ये साइन चेंज कर दिया बेटा, ये भाई इसका कंजुगेट ही तो लेना है, कंजुगेट के बोले क्या होता है आयोटा से पहले साइन चेंज कर दो बेटा, ये अब राइट हैंड साइड लो बेटा, तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा जेड वन का कंजुगेट इंटू में जेड टू का बेटा, तो जेड वन का लो आप, जेड वन क्या है ए प्लस एटा बी का कंजुगेट सी प्लस एटा डी का कंजुगेट करना, इसका कितना आएगा ए माइनस एटा बी सी माइनस एटा डी आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ए सी ए डी एटा बी सी एटा
बीडी आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो कितना हो गया सर ए सी माइनस बी डी आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी आ गया बेटा। अब मिलाओ, क्या आपकी ये दोनों साइडें सेम नहीं आ रही बेटा, ये लो ये आ गया, यानी कि क्या कहोगे आप एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया बेटा स्प्रूट बेटा। हाँ इस प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, ज़्यादा के लिए कैसे, जैसे जेड वन इंटू जेड टू इंटू में जेड थ्री हो और सारे पे बार हो तो आप सब पे अलग अलग आ सकते हो बेटा, जेड वन पे अलग जेड टू पे अलग जेड थ्री पे अलग लगा सकते हो बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही इसके अंदर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, जेड की पावर कोई पावर है उसका कंजुगेट है बेटा, हेलो तो आप पहले कंजुगेट ले लो फिर पावर ले लो, बात एक ही है बेटा। क्या मतलब क्या बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है बेटा, ये लो एग्जांपल लो, जैसे आपके पास थ्री प्लस फोर आयोटा बेटा, उसकी पावर है फाइव, फिर आपने उसका कंजुगेट लेना है तो ये क्या कहता है, ये कहता है आप थ्री प्लस फोर आयोटा का पहले कंजुगेट ले लो फिर उसकी पावर फाइव कर लो, बात एक ही है करना बेटा। थ्री प्लस फोर आयोटा का कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा की पावर फाइव, ये आ जाएगा बेटा। मतलब अब बेटा फाइव पावर खोलनी बहुत मुश्किल है और कंजुगेट करना है, तो मान ले फाइव पावर खोल के कंजुगेट करता है एक आधा घंटा लग जाएगा, जब ये आपस में उल्टे से दे हो सकते तो पहले कंजुगेट खोलो फिर पावर फाइव ले लेना बेटा। हाँ इसका प्रूफ क्या है बेटा, इसका प्रूफ यूँ बनेगा, ये लो जैसे जेड की पावर एन का कंजुगेट है तो इसका मतलब क्या होता है जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू में जेड, ये आ गया एन टाइम्स और सारे का आ गया कंजुगेट बेटा, ये अलग अलग कर दो बेटा, जेड पे अलग फिर जेड पे अलग फिर जेड पे अलग जेड पे अलग, ऐसा एन टाइम्स है बेटा। अब जेड कंजू मतलब इसको तीन की जगह एन समझ लो ना बेटा, एन टाइम्स है तो सब पे अलग अलग आएगा, अलग अलग आ गया बेटा, तो ये जेड बार जेड बार जेड बार जेड बार एन टाइम्स है तो सारा कितना हो गया बेटा, जेड बार की पावर एन आ गई, ये लो एन से प्रूव हो गया बेटा। कुछ पूछना बेटा पूछ लो, तो भाई ये थी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़, ये थी आसान बेटा, टेन प्रॉपर्टीज थी रिटर्न आसान थी। अब है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़, ये थोड़ी मुश्किल है, घबराना मत तुम, मुझे बस एक फ़ोन कर देना बेटा, वैसे तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है बार बार वीडियो देख के कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आई एक फ़ोन मार देना बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। और फ़ोन भी करो ना कभी भी तो कोशिश किया करो प्रॉब्लम के लिए शाम को पाँच और सात के बीच में किया करो बेटा। लो बेटा टॉपिक है प्रॉपर्टीज, टॉपिक है आपका बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ये बेटा ये बेटा
कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। इसका मतलब ये है बेटा, मॉडुलस वैसे आपको मैंने क्या बताया था, जेड हमारे पास मान लो ए प्लस आयोटा बी ओ बेटा, जेड का मोड मैंने आपको क्या बता रखा, अंडर रूट ए स्केयर बी स्केयर होता है बेटा। ये लो एग्जांपल ले लो बेटा, जेड मान लो थ्री प्लस फोर ए होता है बेटा, तो जेड का मॉडुलस क्या बता रखा है बेटा, जेड का मोड ये होता है अंडर द रूट थ्री स्केयर फोर स्केयर, 25 का अंडर रूट हो गया बेटा, 5 हो गया। फिर याद करो मैंने ज्योमेट्रिकली आपको क्या बताया था, याद करो तो किसी भी, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो मैंने बताया था उसकी आप ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे, फिर ये बताया था यदि ये है बेटा ये भी है, तो पाइथागोरस से कल करके दिखाया था ओपी कितना आया था पाइथागोरस से, ये ए है तो सामने वाला भी ए होगा बेटा, तो पाइथागोरस से ओपी कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और मोड जेड भी यही है तो दोनों सेम नहीं हो गए बेटा, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, मोड जेड इज इक्वल टू ओपी हो गया बेटा, देयरफॉर। तो इसका मतलब जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो ओरिजिन से दूरी आएगी बेटा ये रहा, तो मोड क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिन हो गया बेटा, ये होगा मतलब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो जो भी उसका डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से वो उसका मोड होता है, कर कराया था। तो अब लो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मुश्किल है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आप दो बार देखो वीडियो, तीन बार देखो, पर ये मत सोचो कि टीचर कम कराए, आसान टॉपिक कराए, जो टीचर बेटा कम कराता है और आसान आसान टॉपिक कराता है बेटा, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो जो निकम्मे और आलसी बच्चे होते हैं ना बेटा, उनको वो अच्छा लगता है टीचर यार थोड़ा सा कराता है, आसान टॉपिक कराता है, सारा समझ आता है। यदि आपको कोई भी इस कुछ समझा रहा है वो पूरा समझ आ गया तो बेटा वो आपको करा ही आसान रहा है, मुश्किल चीज़ें होंगी तो थोड़ा बहुत तंग करेंगी बेटा, दो बार करना पड़ेगा तीन बार का। तो आप ये उम्मीद लगाओ हमसे कि सर आप पूरा कराओ, ढंग से कराओ सर, पूरा डिटेल में कराओ, हम दो बार समझेंगे तीन बार समझेंगे, डरेंगे नहीं सर, हार नहीं मानेंगे। अब ये मत उम्मीद लगाओ कि सर आप ये छुड़वा दो, इसको छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ना ये उम्मीद मत लगाना बेटा, ठीक है बेटा। नहीं तो आगे जाके रहोगे, एग्जाम देने गए तो रहोगे बेटा, वहाँ कुछ नहीं होएगा, कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये बता रहा हूँ। तो लो बेटा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कह रहे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, उसके कंजुगेट का मोड, उसके माइनस का मोड सेम होता है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, उसके कंजुगेट का मोड, उसके माइनस का मोड सेम होता है बेटा,
कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, इफ जेड इज इक्वल टू 0 + 0 ये होता बेटा, तो दिस इंप्लाइज उसका मोड जेड 0 होगा बेटा, इसका उल्टा ले लो। बट इफ मोड जेड इज इक्वल टू 0 है, देन दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 + 0 ये उल्टा आएगा बेटा, ये कहता है, यानी कि आप उल्टा ले लो बेटा, 0 + 0 बेटा तो मोड 0 होगा, जेड का मोड 0 है तो खुद 0 + 0 ये उल्टा होगा बेटा। तो ये लो बेटा इसका प्रूफ क्या है, देखो जेड है ए प्लस एटा भी, जेड बार है ए माइनस एटा भी, और माइनस जेड है बेटा माइनस ए माइनस एटा भी, हेरा मोड निकाल लो बेटा, जेड का मोड कितना आ रहा है, ए प्लस एटा भी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ जेड बार का निकालना बेटा, तब भी तो यही आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, तब भी तो वही आ गया बेटा, वही तो आ गया बेटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही तो होता है बेटा, ये लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ गया, और माइनस जेड का मोड लेना बेटा, तब क्या आएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है बेटा। अब इनका स्क्वायर करके जोड़ करोगे तब भी तो यही आना बेटा, ये रहा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो देयर फॉर क्या आ गया बेटा, जेड का मोड जेड कंजुगेट का मोड और माइनस जेड का मोड तीनों का सेम आ गया बेटा। इसको रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ बेटा, इसका प्रूफ ले लो बेटा, फर्स्ट केस लो बेटा, पहले जेड क्या दे रखा है, जेड है 0 + 0 ये उठा बेटा, तो बोलो जेड का मोड क्या आएगा, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर का अंडर रूट, जीरो का अंडर रूट 0 आ गया बेटा, देख लो आ गया, ये लो उल्टा ले लो बेटा, सेकंड केस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड जेड 0 है बेटा, कह रहा है मोड जेड इक्वल टू 0, मोड जेड क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट 0 है बेटा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 0 है। कभी भी दो नंबरों का स्क्वायर 0 हो ना बेटा, दो नंबर है उनका स्क्वायरों का सम 0 है, तो आप देख लेना बेटा दोनों 0 मानने पड़ेंगे आपको, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं कि इससे कट जाए आपस में, मेरा स्क्वायर और तुम्हारा स्क्वायर का सम 0 है, रियल नंबर है हम दोनों, तो बेटा हमें मजबूरी में दोनों 0 लेने पड़ेंगे, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू जी 0 हो गया, तो इसलिए जेड क्या बन गया बेटा, ये लो जेड क्या बन गया, क्या था जेड, ए प्लस एटा बी, तो क्या बन गया सारा बोलो, 0 + 0 एटा ये आ गया, हेंस प्रूव ये हो गया बेटा। तो कुछ पूछना पूछ लो बेटा यहाँ तक, और रीड कर लो बेटा इसको,
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है ना बेटा, याद रखना बेटा, वो अपने ही मोड के नेगेटिव से बड़ा होता है और अपने ही मोड के पॉजिटिव से छोटा होता है बेटा। यार ये मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, जेड आपने लिया 3+4 है बेटा, तो जेड का मोड कितना आ गया चेर 3² 4² का अंडर रूट 25 का 5 आ गया। देख लो जो 5 है वो बड़ा है -3 से, छोटा है +3 से। 5 क्या चीज़ है ये? आरी, सॉरी गलत बता दिया बेटा, जो रियल पार्ट है बेटा, ये बता रहा रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना आ रहा है 3। जो 3 आ रहा है वो -5 से बड़ा है +5 से कम है। 3 क्या चीज़ है? आर ई ऑफ जेड बड़ा है, मोड 5 था तो -5 से बड़ा है, छोटा है +5 से बड़ा है। देख सकते हो बेटा आप, 3 जो है -5 से बड़ा है, +5 से कम। तो वही कह रहा है बेटा, यहाँ पे प्रूव करके दिखाओ। ऐसे ही बेटा एक प्रॉपर्टी 4 दोनों सेम है, ये लो एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजरी पार्ट भी लोगे ना बेटा, इमेजरी पार्ट ऑफ जेड वो भी माइनस मोड जेड से छोटा होता है, बड़ा होता है प्लस मोड जेड से छोटा होता है। अब ये लो, अब इमेजरी पार्ट लेना बेटा, यानी कि 4 ले लो, 4 -5 और +5 के बीच का नंबर है। 4 क्या है? इमेजरी पार्ट, छोटा है मोड जेड से, बड़ा आ रहा है माइनस के मोड जेड से आ रहा है बेटा। देख लो तो दोनों के प्रूफ सेम है बेटा, तो एक का करा देता हूँ बेटा। थर्ड का करा देता हूँ बेटा, ये लो जेड आपके पास क्या है बेटा, ए प्लस एटा भी है, तो जेड का मोड होता क्या है? जेड का मोड अंडर रूट a² + b² है बेटा। यार जेड आपके पास है ए प्लस एटा भी, तो जेड का मोड क्या आता है बेटा? √a² b² आता है। अब मुझे ये बताओ कि जो ए है बेटा, a² है, वो छोटा बराबर आएगा a² + b² से, ठीक है? ये बोलो कैसे? यहाँ दो नंबरों का स्केयर है बेटा, यहाँ दो नंबरों का स्केयर है, यहाँ उनमें से एक नंबर है, तो दो नंबर उससे बड़े ही बराबर तो होंगे। बराबर कब होगा? बाई चांस बी 0 हो तो, मतलब a² बड़ा होगा a² b² से। सेम ले लो, a² बड़ा बराबर होगा -a² b² से। ले लो कैसे, ये रहने दो, चलो मैं इसके बगैर कराता हूँ। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ बेटा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ, तो इसको मैं यूँ लिख दूँ, a² < आ गया बेटा मोड जेड का स्केयर से ही आ गया। अब बेटा हमारे पास ना, एक आगे सिलेबस करोगे ना, एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो यूँ लगा लो कि 2 साल में आपकी 1000 बार यूज़ होनी है बेटा।
क्या है बेटा? कैरिफ एक्स का स्केयर किसी नंबर के स्केयर से छोटा है, तो कभी भी देख लेना आप एक्स को ना, आपको माइनस के और प्लस के बीच में होगा, यानी कि ये दो पोल लगा दो बेटा, ये माइनस के है बेटा, ये प्लस के है, तो आपको इसके बीच का नंबर लेना पड़ेगा बेटा, क्या आएगा ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, 2 साल में यूँ लगा लेगी, 1000 बार यूज़ होनी है, यूँ लगा लें क्या मतलब, ये एग्जांपल ले ले इसका, जैसे मैं यू को ना फाइंड एक्स कब इफ एक्स स्क्वायर 100 से छोटा है, यानी कि एक्स स्क्वायर छोटा है 10 के स्क्वायर से, ये वो नंबर जिनका स्क्वायर करूँ तो 100 से कम आए, दिस इम्प्लाइज आपको एक्स माइनस 10 और प्लस 10 के बीच का लेना पड़ेगा बेटा, ये आप करके देख लो, ये 0 है बेटा, ये माइनस 10 है, ये प्लस 10 है, ये माइनस 10 है, ये प्लस 10 है, ये तो आप इसके बीच का ही नंबर मानोगे बेटा, बेटा अब कोई भी नंबर माइनस 10 और प्लस 10 के बीच का बोल के देखो, अब उसका स्केयर करो, देखो 100 से छोटा तो आएगा, सेम अब यहाँ यूज़ करो बेटा, ये ए स्केयर है, इसको एक्स स्केयर समझो, ये के स्केयर है, तो इसको आप कंपेयर करो ना बेटा, कंपेयर इसको किस से, एक्स स्केयर प्लस देन के का स्केयर, ये इससे छोटे से, तो बोलो एक्स माइनस के टू प्लस के आएगा, तो ए क्या आएगा सोचो, ए बड़ा बराबर आएगा माइनस मोड जेड से, छोटा बराबर आएगा प्लस मोड जेड से, ही आ गया, तो ए क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बड़ा बराबर आ गया माइनस मोड जेड से, छोटा आ गया प्लस मोड जेड से, ही आ गया, प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है ये, दोबारा सुन लो बेटा, जेड ए प्लस ओटा बी लिया, तो यहाँ ए स्केयर बी स्केयर है बेटा, दो नंबरों का स्केयरों का सम है, यहाँ उनमें से एक है, तो दो नंबर तो एक से बड़े होते हैं, अब ये चीज़ क्या है, मोड का जड़ क्या होता है, अंडर रूट ए स्केयर बी स्केयर होता है, अंडर रूट तो है नहीं, तो ये मोड जड़ का स्केयर हो गया, अब इसकी शक्ल इससे मिला, एक्स स्केयर लेस देन के स्केयर हो, ये एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू के स्केयर, तो एक्स क्या होता है माइनस के और प्लस के बीच में, तो इसका बोला ए क्या आएगा, ए माइनस मोड जेड प्लस मोड जेड के बीच में, ए क्या है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया, माइनस मोड जेड और प्लस मोड जेड के बीच में आ गया, अब ये अपने आप करना बेटा फोर्थ का प्रूफ, उसमें सिर्फ पता क्या करना, फोर्थ में क्या करना, यहाँ जो मैंने लिखा ना ए स्केयर बी स्केयर बड़ा बराबर है ए स्केयर से, आप लिखना ए स्केयर बी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्केयर लिखना बेटा, यहाँ बी पे स्केयर डाल लेना बेटा, बस बाकी सेम चलेगा, बी बी आ जाएगा हर जगह, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑर्डर, ये बेटा जेड वन इंटू जेड टू है बेटा, सॉरी जेड वन प्लस जेड टू है,
जेड वन इंटू जेड टू है, आप उसका सारे का मोड़ ले लोगे, दो कंप्रेसरों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उनका जो मोड़ होता है ना बेटा, दो कंप्रेसरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको, तो उनका जो मोड़ होता है ये होता है जेड वन का अलग और जेड टू का अलग होता है बेटा, ये होता है, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, आपने उनको मल्टीप्लाई करके मोड़ लेना है, अलग अलग मोड़ ले लो बेटा। अच्छा, सिक्स प्रॉपर्टी है बेटा, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड कर लेना बाय जेड टू का मोड़ है ये, तो क्या होता है, जेड वन का मोड़ अलग बाय जेड टू का मोड़ अलग, ये होता है बेटा, ये डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये भाई डिवाइड करके मोड़ लेना है या पहले मोड़ ले लो फिर डिवाइड कर लो बेटा। हाँ, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको यदि आप जर्नली लिखोगे ना बेटा, जर्नली इट इज रिटन एज, जेड की पावर एन का जो मोड़ होता है ना बेटा, वो इक्वल टू होता है जेड की पर मोड़ की पावर एन होता है बेटा, क्या मतलब, ये लो एग्जांपल लो, जेड है थ्री प्लस मान लो फोर आयोटा, तो कोई आपको ये कहता है कि थ्री प्लस फोर आयोटा की पावर हंड्रेड करो और फिर उसका मोड़ ले लो, भाई थ्री प्लस फोर आयोटा की पावर हंड्रेड खोलना कोई आसान है, आप उसकी बजाय क्या कर दो, थ्री प्लस फोर आयोटा का मोड़ कर लो और फिर उसकी पावर हंड्रेड कर लो, बात एक ही है, दोबारा सुन लो, जेड थ्री प्लस फोर आयोटा है, आपने उसकी पावर हंड्रेड करके मोड़ करना या आप मोड़ करके हंड्रेड कर दो, बात एक ही है, कैसे, ये लो थ्री प्लस फोर आयोटा का मोड़ क्या होता है, थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर का अंडर रूट की पावर हंड्रेड स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, पच्चीस अंडर रूट कर लो कितना होता है, वन बाई टू इंटू में हंड्रेड, तो कट के आ गया ये पच्चीस की पावर पचास, ये आंसर आ गया बेटा। अब यदि आप इसी क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से नहीं करते ना बेटा, एक बार ये यूज मत करो, तो बेटा पहले ना थ्री प्लस फोर की पावर हंड्रेड खोल के तो दिखा, कई दिन लग जाएंगे खोलने में, दिन कह रहा हूँ मैं, तो ये इसका बेनिफिट है बेटा, तो ये लो प्रूफ करा रहा हूँ बेटा, इसका क्या प्रूफ है देखो, तो प्रूफ करा रहा हूँ सिक्स का, ये लो जेड वन बाय जेड टू, जेड वन मान लो आप ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ये बेटा जेड वन ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ये तो मुझे इसका मोड़ करना, पहले इसका कम्प्लेक्स नंबर तो बनाओ, बनाओ इसका कम्प्लेक्स नंबर कैसे, इसको रैशनलाइज कर लो, प्लस आयोटा बी बाय सी प्लस आयोटा डी, रैशनलाइज करो बेटा इसको कैसे, सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई, सी माइनस आयोटा डी से डिवाइड, और कितना हो गया ए सी प्लस बी डी, आयोटा स्क्वायर माइनस वन ले लिया ना बेटा, आयोटा बी सी माइनस का आईडी, नीचे सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, एयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो कितना हो गया बेटा ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर, एयोटा ये आ जाएगा बी सी माइनस ई डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कि मैंने क्या किया अभी, जेड वन बाय जेड टू कर दिया ये रहा,
अब मुझे इसका क्या लेना है, जेड वन बाई जेड टू का मोड, इस सारे का मोड लेना है बेटा। मोड क्या होता है, ये लो रियल का स्क्वायर, रियल है इसका स्क्वायर, वही मेजर है बेटा, बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, ये आता है बेटा। कितना आ गया बेटा, ये पीछे एलसीएम वाला पोर्शन सेम है बेटा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, ऊपर स्क्वायर खोल दो बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, टू ए बी सी डी कट गया बेटा, ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया बेटा। हाँ नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बेटा, ये रहा। नीचे आ गया सी स्क्वायर डी का स्क्वायर आ गया बेटा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, फिर सुन लो, यहाँ जो इसका स्क्वायर लोगे तो टू ए बी सी डी, टू ए बी सी डी कट तो गया बेटा, एक प्लस का था एक माइनस का आ गया बेटा। अब राइट हैंड साइड ले लो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी बेटा, क्या है बेटा, जेड वन का मोड बाय जेड टू का मोड, जेड वन का मोड क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको क्या करो बेटा, रैशनलाइज कर दो, रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर से डिवाइड, ये रहा। तो प्रोज तो बन रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया बेटा, हैंसर प्रूफ। तो बाकी बेटा भी रहती हैं इसकी 10-12 प्रॉपर्टी हैं, जो मुश्किल वाली है वो कल कराऊंगा बेटा, आसान वाली मैंने करा दी आपको आज, ठीक है।